मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे गरीब जन्म दिए। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास, कितना पैसा मारू हूँ मैं। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, मैं बस मंडे को जिम आता हूँ और 8 दिन के बाद सबको सिखाना चालू करता हूँ। मैं एक बॉडी बिल्डर हूँ, 2 दिन के बाद मुझे प्रोटीन चाहिए होता है, उससे तो मेरी जिम होती ही नहीं है। मैं बॉडी बिल्डर हूँ। सो गाइस, आपने भी ऐसे लोग देखे रहेंगे जो बस 10 दिन के लिए जिम जाते हैं और अपने को ज्ञान देना चालू करते हैं। ओके, सो आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है, उनके लिए नहीं है। ना मती ना बिसोनल सा तो बेला चाओ बेला चाओ। लो माय पीपल, आई एम यू विगी। और आज कुछ ऐसा हुआ कि मैं जिम से वापस आया और आते ही मैंने अपने अंडे उबालने के लिए रखे थे और जब मैंने अंडे खोल के देखे तो कुछ ऐसा दिखाई दिया। गरम गरम अंडे, 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 गरम गरम अंडे। ये जब भी ऐसे होता है ना यार, सच में दिमाग घूम जाता है मेरा। देखो, पूरा अंडा वेस्ट नहीं कह सकते, लेकिन यार इसको खाएं कैसे? इसमें से तो बहुत ज़्यादा तो ऐसे ही खराब हो जाता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पे एक वीडियो बनाया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि इस पे क्या किया जाए। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। आप में से बहुत लोगों को ये पता होगा कि ये कैसे होता है, अगर पता नहीं तो टेंशन नहीं लेने का भाई, अपन है ना, अपन लेके आए आपके लिए वीडियो। देखो, पसंद आया तो लाइक जरूर करना और मैं आपको बताऊंगा कि ये होता कैसा है, उसके पीछे साइंस क्या है, सब बताएगा। एक, टेंशन नहीं लेने का। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो पहले हम थोड़ा सा ऑयल यूज करेंगे। इसमें ऑयल कौन सा भी यूज कर सकते हो जो हम लोग अपने खाने में यूज करते हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा पानी में भी। ओके, ये अभी डालेंगे बॉयल करने के लिए। हो गया, अभी इसको निकालेंगे बाहर। अभी थोड़ा अच्छे से हो रहा है। ये कैसे हुआ? इसके पीछे कहानी है, सुना क्या? एक का जो शेल होता है वो पोरस होता है, जब उसे उबालने के लिए रखते हैं तब वो शेल ऑयल को सोख लेता है और उसके वजह से एक बैरियर बनता है जो कि स्लिपरी होता है। सो दैट्स व्हाई वी कैन पील द एग इजीली एंड वी ऐड सॉल्ट बिकॉज सॉल्ट प्रिवेंट द एग फ्रॉम क्रैकिंग। दैट्स इट फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि मोस्टली एग जो रहता है वो बहुत फ्रेश हो सकता है, 10 दिन के अंदर का रह सकता है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी वीडियो बनाऊंगा कि ये, तो मैं एक आपको टेस्ट बताऊंगा जो कि बहुत ही सिंपल है, हम लोग घर पे कर सकते हैं, जिससे हम जान सकेंगे कि अंडा ताजा है या पुराना हो चुका है या फिर खराब हो चुका है। आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। ये बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। लव यू ऑल, पीस। Thank you.